हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. वेलकम इन माय क्लास. और टुडे चैप्टर इज माय फैमिली. आज का अपना जो चैप्टर है वो क्या है? माय फैमिली. ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि हमारी जो फैमिली है, इट मींस आप जहाँ पे रहते हो, जिस हाउस के अंदर रहते हो, ठीक है, जिस हाउस में आप रहते हो वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं वो रहते हैं, यू नो ना, देन और भी बहुत सारे लोग हैं उसमें रहते. तो जिस हाउस में आप रहते हो वो हाउस तो क्या हो गया आपका? हाउस. वो हाउस क्या हो गया आपका? वो तो क्या हो गया आपका? हाउस. और उस हाउस में आपके साथ और भी बहुत सारे लोग जो रहते हैं, वो सारे लोग क्या हो गए? आपके रिलेटिव्स हो गए. ठीक है, वो आपके क्या हो गए? रिलेटिव्स हो गए. जो आपके रिलेटिव्स हैं वो ही क्या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं. ओके, वो ही क्या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपके साथ रहते हैं. डन. नाउ The people who live with us, जो लोग अपने साथ में रहते हैं, in our house, हमारे house के अंदर जो लोग अपने साथ रहते हैं, okay, we live together, that are called our family, are all a part of a family. ठीक है, जो भी लोग आपके साथ रहते हैं वो सारे क्या हैं? आपकी family के part हैं. We all live together, और हम सभी क्या हैं? एक साथ रहते हैं. ओके, क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, शेयर थिंग्स, और अपनी जो थिंग्स हैं वो उनको शेयर करते हैं, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एंड स्पेंड टाइम टुगेदर, और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? टाइम स्पेंड करते हैं. ठीक है, एक दूसरे के साथ हम क्या करते हैं? टाइम स्पेंड करते हैं. डन. नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ए फैमिलीज. जो फैमिलीज होती हैं उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? कितने टाइप्स की फैमिलीज होती हैं? ओके, देन ए फैमिली कैन बी स्मॉल. जो फैमिली है वो स्मॉल भी हो सकती है और बिग भी हो सकती है. ओके, फादर मदर सन एंड डॉटर. फादर मदर सन एंड डॉटर जब एक साथ मिलके रहते हैं, ठीक है, मेक ए स्मॉल फैमिली. तो ये सारे लोग क्या करते हैं? एक स्मॉल फैमिली बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक स्मॉल फैमिली बनाते हैं. डन. नाउ एवरी वन इन द फैमिली. और इस फैमिली जितने भी लोग रहते हैं, ओके, जितने भी लोग इस फैमिली में रहते हैं, शेयर्स द वर्क एट होम. वो क्या करते हैं? अपने होम पे जो वर्क्स हैं वो शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को वर्क करवाते हैं. ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. और इस फैमिली के जितने भी मेम्बर्स हैं, हेल्प ईच अदर. ये क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं. क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं. दे लव एंड केयर फॉर ईच अदर. और ये क्या करते हैं? केयर करते हैं एक दूसरे की और एक दूसरे को लव करते हैं. डन. लाइक योर फैमिली. ओके, जैसे आपकी फैमिली में है तो आपकी जो मदर है वो क्या करती है? आपकी केयर करती है. ओके, आपकी जो मदर है वो क्या करती है? आपकी केयर करती है. आपके जो फादर है वो क्या करते हैं? आपके लिए अर्न करते हैं, आपको स्कूल छोड़ने जाते हैं, ठीक है, और आपको स्कूल से वापस लेकर भी आते हैं. ठीक है, आपके लिए आपकी मम्मा जो लंच बनाती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है वो आपके साथ प्ले करते हैं, आपको स्टोरीज सुनाते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपके लिए? लव एंड केयर. ओके, ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपके लिए? लव एंड केयर. ओके, लव एंड केयर ब्रिंग हैप्पीनेस टू द फैमिली. और ये जो लव एंड केयर है आपकी फैमिली में, ये क्या करती है? आपको हैप्पी रखती है. ओके, एक दूसरे के लिए इस तरह से जो आपका प्यार है, जो आपका लव है, ठीक है, वो क्या करता है? आपको हैप्पी रखता है फैमिली में. ओके, नाउ यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ ए स्मॉल फैमिली एंड लार्ज फैमिली. ओके, this is the small family. Here you can see that there is a parents and there is a children. अगर ऐसी family जिसमें only children, sorry, जिसमें only parents और उनके children stay हो, तो ऐसी family को अपन क्या कहेंगे? Small family. Okay? And here you can see that there is a parents and their children also. देखो, जो family है जिसमें two children रहते हैं, ठीक है,
जिन पेरेंट्स के ओनली टू चिल्ड्रेन होते हैं, तो इस टाइप की जो फैमिली है इस फैमिली को तो अपन क्या कहेंगे, स्मॉल फैमिली। बट अगर चिल्ड्रेन ज़्यादा हो, इट मीन्स यहाँ पे क्या, थ्री चिल्ड्रेन है, ओके तो अगर चिल्ड्रेन मोर देन टू हो तो इस टाइप की फैमिली को अपन क्या कहेंगे, लार्ज फैमिली। ओके, नाउ फादर मदर एंड थ्री और मोर चिल्ड्रेन मेक ए लार्ज फैमिली। ठीक है, फादर है, मदर है और उनके थ्री जो चिल्ड्रेंस हैं वो क्या करते हैं, मोर देन थ्री और मोर देन थ्री चिल्ड्रेन। अगर जो चिल्ड्रेन, अगर टू चिल्ड्रेन हो तब तो वो फैमिली क्या हो गई, स्मॉल फैमिली। बट मोर देन टू चिल्ड्रेन हो, इट मीन्स या तो थ्री हो या फिर थ्री से भी ज़्यादा अगर चिल्ड्रेन हो, तो इस टाइप की जो फैमिली होती है वो कैसी फैमिली हो गई, लार्ज फैमिली। ओके, दिस टाइप ऑफ फैमिली इज, वी कैन से दैट लार्ज फैमिली। ओके, नाउ मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हैव ए कॉमन नेम, और इस टाइप से अपनी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उन सब का क्या होता है, कॉमन नेम होता है, इट इज कॉल्ड सरनेम। ठीक है, अपन क्या करते हैं, सभी उनको एक अलग नाम से उनको बुलाते हैं। ठीक है, तो ये जो नेम है वो क्या हो गया, इनका कॉमन नेम हो गया, क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, लाइक जैन, गुप्ता। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स हैं, जैसे आपके पापा हैं, तो उनका नाम जैसे सुरेश गुप्ता है, तो उनको शॉर्ट में सभी लोग क्या बोलेंगे, गुप्ता। ठीक है, या फिर तो आपकी फैमिली को क्या बोलेंगे, गुप्ताज फैमिली। अगर कोई शर्मा है तो उनकी फैमिली को शर्माज फैमिली। ओके, रेडी फैमिली, अंसारी फैमिली, इससे टाइप से इनका क्या होता है, सरनेम होता है। ओके, द सरनेम फॉलोज द फर्स्ट नेम, और ये जो सरनेम है क्या होता है, फर्स्ट इसको फॉलो किया जाता है, ये क्या होता है, फर्स्ट नेम होता है जिसको फॉलो किया जाता है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी पूरी जो फैमिली होती है वो होती है। ठीक है, वो अपनी क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। डन, नाउ रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू, see you tomorrow, bye bye.